हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट छोटी सी दो डेफिनेशन से जल्दी से उसको देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो हम लोग लगातार चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हैं, चैप्टर नंबर 3 में हम सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हर छोटी से छोटी चीज करते जाएंगे बिना कुछ छोड़े हुए, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड देखा था, उसका ग्राफ देखा था, पी एन जंक्शन डायोड के लिए ग्राफ देखा था जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता था, थायरिस्टर के लिए ग्राफ देखा था जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता था। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते थे वो सारी चीजें, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नाम आएगा ईएमएफ, क्लास 10 में पढ़ा था, एक नाम आएगा टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो नाम आएंगे यार। ईएमएफ कब होता है ध्यान दो जरा। मान लो मेरे पास एक सेल है, उस सेल को मैंने एक स्विच से जोड़ दिया, उस सेल को मैंने, मान लो 5 वोल्ट का सेल है, 9 वोल्ट मान लो, चलो एक 9 वोल्ट का सेल था, उसको मैंने एक बाहर किसी स्विच से जोड़ दिया, तो सेल का वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट है। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, जब स्विच को मैं ऑफ कर दूंगा तो वो 9 वोल्ट कहीं खर्च हुआ क्या, वो 9 वोल्ट खर्च नहीं हुआ। तो सेल के दो दो टर्मिनल होंगे ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बीच में कोई वोल्टेज खर्च नहीं हुआ, वो 9 का 9 रह गया, तो उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट है, वो खर्च ही नहीं हुई। तो इस तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस को सेल की वो एनर्जी जो सर्किट में तब प्रेजेंट रहती है, जो उसके दो प्लेट के बीच में तब प्रेजेंट रहती है, सेल के दो प्लेटों के बीच में तब प्रेजेंट रहती है वो एनर्जी जब स्विच ऑफ हो, सर्किट ब्रेक हो, मतलब सर्किट में करंट ना चल रही हो। तो इस तरीके से पाए जाने वाले दो प्लेटों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। एनर्जी जो दो प्लेटों के बीच पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को मोटिवेट करने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो क्या लिखा है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल टू डिराइव ए यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट डिनोटेड बाय ई और स्मॉल ई, जैसे। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिट चार्ज है उसको पूरे सर्किट में चलवा दे, एक यूनिट चार्ज को पूरे में यहाँ तक, मतलब पॉजिटिव से भेज के नेगेटिव तक चला दे, मतलब पूरे सर्किट को कंप्लीट करा दे, तो जो एनर्जी चाहिए उस सेल की वो एनर्जी ईएमएफ कहलाती है। नहीं समझ में आया, आया नहीं समझ में। मैंने कहा यार एक सेल की एनर्जी है, एक सेल की एनर्जी है जो चार्ज को चला दे यहाँ तक, एक सेल की एनर्जी है चार्ज को चला दे यहाँ तक, एक सेल की एनर्जी है चार्ज को चला दे यहाँ तक, एक सेल की एनर्जी है चार्ज को चला दे वापस पूरा, तो ईएमएफ कौन सा वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, पूरा वाला, पूरा वाला, क्लियर। तो ईएमएफ इज द एनर्जी इन साइड द प्रेजेंट इन साइड द सेल विच कैन बी ड्राइव एनी ऑफ द यूनिट चार्ज इन द होल ऑफ द कंप्लीट सर्किट, क्लियर हो गई बात। पूरे सर्किट में चलाते हैं उसको ईएमएफ कहते हैं। दूसरा, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब जो कब प्रेजेंट होता है, जब स्विच ऑफ है। देखो स्विच ऑफ है, ये स्विच को मैंने जोड़ा नहीं है, तो ये स्विच ऑफ है, तो व्हेन द स्विच इज ऑफ, व्हेन द सर्किट इज ओपन, देन द ईएमएफ प्रेजेंट, या मतलब एनर्जी प्रेजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज सेड टू बी व्हाट, या सेल व्हाट इज सेड टू बी व्हाट, ईएमएफ। अब क्या है टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, इसमें तो स्विच ऑफ था यार, इसमें स्विच ऑन कर दोगे, अब जाहिर सी बात है जब स्विच ऑफ करोगे तो करंट खर्च होगी, मतलब एनर्जी खर्च होगी, जब एनर्जी खर्च हो जाएगी तो ईएमएफ से कम आएगी। नहीं समझे मेरे बच्चे बात को, एक ईएमएफ था, ईएमएफ में करंट नहीं चल रही थी, एनर्जी खर्च नहीं हो रही थी, मेरी जो एनर्जी है मैं बचा हुआ हूँ, मैं सुबह नाश्ता करके बैठा हूँ, मैं कहीं चला ही नहीं। तुम छोटी सी बात समझो, अगर तुमने सुबह ब्रेकफास्ट किया तुम बैठे पड़े हो एक ही जगह उसी चेयर पे, फिर तुमसे कोई 12 बजे कहते फिर खाना खा लो उतना सारा, मन तो करेगा क्या करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लोगे, लेकिन उतना नहीं खा पाओगे। लेकिन तुमसे कहा जाए सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, फिर खूब चलते फिरते रहो, भागा दौड़ी, खेल कूद किया, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, फिर तुमसे कोई कहे कि 12 बजे तुम्हें 11 बजे भूख लग जाएगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी लॉस करी भाई। इसका मतलब जो हमारे अंदर पहले एनर्जी प्रेजेंट थी स्विच ऑफ की कंडीशन में, अब तो स्विच ऑन कर दिया, तुम खेल कूद के आए हो, करंट चलने लगी है, एनर्जी खर्च हुई है। जब ऐसा कुछ होने लगेगा, जब स्विच ऑन हो गया तो करंट चलने लगी होगी, जब करंट चलने लगी होगी तो मैं क्या कहूँगा, अब जो दो सेल के जो टर्मिनल हैं, ये जो दो टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनल के बीच में अब जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको टीपीडी कहते हैं। अब
समझे। अब कब इसमें एनर्जी का प्रेजेंट जब स्विच ऑफ था, इसमें एनर्जी का प्रेजेंट जब स्विच ऑन था, इसमें एनर्जी पूरी बची हुई थी कि आधी बची हुई थी, कम बची थी पूरी बची थी, इसमें एनर्जी कम बचेगी ज्यादा बचेगी, कम बचेगी एनर्जी खर्च हो गई। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द स्विच इज ऑन एंड द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द होल सर्किट। और ईएमएफ क्या होता है यार, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द स्विच इज ऑफ एंड नो करंट ड्रॉन इन द सर्किट। क्लियर हो गई बात, इसी को हम ईएमएफ और टीपीडी कहते हैं। याद रखो हमेशा जो ईएमएफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है टीपीडी से, याद रखना। ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीपीडी, जाहिर सी बात है यार, 9 वोल्ट की बैटरी ज्यादा ही वोल्टेज रखेगी, जब वो खर्च होने लगेगी 6 वोल्ट बच गया होगा तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन क्या वी, ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। जल्दी से दोनों डेफिनेशंस को नोट कर लो, हम तुरंत आगे नेक्स्ट वीडियो में तरफ बढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट बातें थी, हम आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा।